बात कर रहे हैं आईपीएल में खेला जाने वाले 41वें मैच की। ये खेला जाएगा दोस्तों सनराइज हैदराबाद वर्सेस आरसीबी रॉयल चैलेंजर के बीच में। ये खेला जाएगा दोस्तों हैदराबाद के स्टेडियम राजीव गांधी स्टेडियम में। बात कर लेते हैं दोनों के बीच में पिछले 5 मैचों का हेड टू हेड रिकॉर्ड। सनराइज हैदराबाद ने 3 जीते हैं तो आरसीबी ने 2 मैच जीते हैं। इस वेन्यू पे परफॉर्म देख लेते हैं दोस्तों इस मैदान पे दोनों ही टीमों ने अपने 10 मैच जो ओवरऑल सभी टीमों के सामने खेले हैं तो दोनों के ही रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। नहीं सनराइज हैदराबाद 10 में से 4 जीती है, वहीं रॉयल चैलेंजर 10 में से 2 ही मैच जीत सकी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मैदान पे खेले गए ओवरऑल आईपीएल में 71 मैचों में बैटिंग बॉलिंग का परफॉर्मेंस भी समझ लीजिए थोड़ा सा। दोस्तों बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 40% मैच जीतती है, यानी कि 10 में से 4 मैच जीतती है, और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 10 में से 6 मैच जीतती है, यानी कि बॉलिंग करना टीमें थोड़ा सा पसंद करती है। बात करें दोस्तों ओवरऑल एवरेज स्कोर की तो दोस्तों यहाँ पर एवरेज स्कोर 170 के आसपास बन जाता है, लेकिन इस आईपीएल में काफ़ी बड़ा एवरेज स्कोर निकल के आया है जो कि 2 ही मैच यहाँ पर हुए हैं और 196 के आसपास जा रहा है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि दोनों ही टीमें अच्छी बल्लेबाजी की टीमें हैं तो 200 स्कोर यहाँ पर बन सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पेस और स्पिन समझ लीजिए थोड़ा सा, पेसर्स और स्पिन का यहाँ पे क्या रोल रहता है। पिछले 10 मैचों की बात करें तो पेसर्स ने 66 विकेट निकाले हैं तो स्पिन के खाते में 41 विकेट गए हैं। चलिए दोस्तों मोस्ट प्लेयर भी आपको मैं बता देता हूँ इस मैच में दोनों ही टीमों में से कौन है। दोस्तों विराट कोहली 379 रन के साथ 8 मैचों में पहले नंबर पे चल रहे हैं। वहीं बात करें हेड की तो 324 पे 6 मैचों में दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की तो नटराजन 5 मैचों में 10 विकेट लेके पहले नंबर पे और कमिंस 7 मैचों में 9 विकेट लेके दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की, कौन से प्लेयर आपको लेना चाहिए, कौन से प्लेयर आप छोड़ सकते हैं। दोनों प्लेयर टीमों के प्लेयर के रिकॉर्ड भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हेनरिक क्लासन की। दोस्तों क्लासन 7 मैच खेल चुके हैं, प्रति मैच में वो 67 पॉइंट अर्जित कर रहे हैं और उन्होंने 4 मैच में ड्रीम टीम में भी वो आ चुके हैं। बात करें दोस्तों इससे पिछला मैच जो आरसीबी के खिलाफ उन्होंने खेला था उस मैच में उन्होंने 67 रन की शानदार बल्लेबाजी की थी और पिछला मैच उनका देखे तो 15 रन पे आउट हो गए थे। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि क्लासन इस मैच में ज़बरदस्त और बड़ी पारी खेलते हुए आपको नजर आएंगे, आप बहुत आराम से क्लासन को पिक करके चल सकते हैं। बात दोस्तों दिनेश कार्तिक की, जैसा कि दिनेश कार्तिक ने 8 मैच खेले हैं, 5 मैच में वो ड्रीम टीम का हिस्सा भी रहे हैं, प्रति मैच में उनके 62 पॉइंट रहे हैं। उन्होंने सनराइज हैदराबाद के खिलाफ जो पिछला मैच खेला था उसमें 83 रन शानदार बनाए थे दोस्तों, सबसे बड़े बल्लेबाजी उन्होंने ही की थी और पिछले मैच में वो 25 रन बना चुके हैं। तो ओवरऑल दिनेश कार्तिक का मिला जुला परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है तो आरसीबी की तरफ से आप इन्हें बहुत आराम से विकेट कीपर सेक्शन से पिक करके चल सकते हैं और सनराइज हैदराबाद से क्लासन को भी आप पिक करके चल सकते हैं। दोनों ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और ये आपको अच्छे पॉइंट देकर जाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों बल्लेबाजी सेक्शन की, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों बल्लेबाजी सेक्शन में विराट कोहली की। विराट कोहली ने दोस्तों 8 मैच खेले हैं, 4 मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं, प्रति मैच में 73 पॉइंट बना रहे हैं। बात करें सनराइज हैदराबाद के खिलाफ खेला गया पिछला मैच में इन्होंने 42 रन बनाए थे और इनका उसके बाद अंतिम मैच जो रहा उसमें 18 रन पे आउट हो गए थे। तो हमें उम्मीद है कि विराट कोहली के बल्ले से एक बड़ी बारी निकलेगी और वो कप्तान के भी लायक रहेंगे इस मैच में ड्रीम टीम के आधार पर। तो आप इनको अपनी टीम का कप्तान बना सकते हैं और अपनी टीम में पिक करके जरूर चलिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों फफ डुप्लेसिस की। दोस्तों डुप्लेसिस ने भी 8 मैच खेले हैं, 4 मैच में ये भी ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं, प्रति मैच इनका एवरेज पॉइंट निकल के आते हैं 48। बात कर लेते हैं दोस्तों इन्होंने जो पिछला मैच खेला था सनराइज हैदराबाद के खिलाफ उसमें 62 शानदार इन्होंने 50 मारी थी, पिछले मैच में 7 पर आउट हो गए थे। तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा डुप्लेसिस को टीम में रखना, तो आप इनको छोड़ सकते हैं इस मैच में। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले बल्लेबाज की ट्रेविस हेड की। दोस्तों ट्रेविस हेड 6 मैच खेल चुके हैं, 4 मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं और सर्वाधिक पॉइंट अर्जित किए हैं इन्होंने, प्रति मैच में 80 पॉइंट इनके हर मैच में रहे हैं।
शानदार शतक इन्होंने मारा था आरसीबी के खिलाफ पिछले मैच में, और आखिरी मैच में भी ये 89 रन बना चुके हैं। तो ये ज़बरदस्त फॉर्म में है दोस्तों, और इनका बल्ला लगातार रन उगल रहा है, तो आप अपनी टीम में इनको लेके चल सकते हैं और कप्तान, वाइस कप्तान के तौर पे इन्हें अपनी टीम में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अभिषेक शर्मा की बात कर लेते हैं। ये भी शानदार प्लेयर दोस्तों, लगातार ये ड्रीम टीम में भी आ रहे हैं और शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7 मैच में से 6 मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा है, प्रति मैच में 61 पॉइंट अर्जित कर रहे हैं। आरसीबी के खिलाफ इन्होंने 34 रन की पारी खेली थी, उसके बाद जो लास्ट मैच इन्होंने खेला उसमें 46 बनाए थे, तो आप इनको अपनी टीम में पिक करके चल सकते हैं। ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इनको आप पिक करके चल सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले प्लेयर की, जो प्लेइंग 11 में पिछले मैच में खेलते हुए हमें नज़र आए थे। दोस्तों रजत पाटीदार की बात कर लेते हैं, जो पिछला मैच खेले थे। ओवरऑल उन्होंने अभी तक 8 मैच खेले हैं, 3 मैच में वो ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं और 35 पॉइंट हर मैच में वो अर्जित कर रहे हैं। सनराइज़ हैदराबाद के खिलाफ खेले गए पिछले मैच में वो 9 रन पे आउट हो गए थे, खासा कमाल नहीं कर पाए थे, और पिछला मैच जो उन्होंने खेला था उसमें वो 52 रन की शानदार पारी खेली थी, यानी कि वो फॉर्म में चल रहे हैं। आप थोड़ा सा अगर ऊपरी बल्लेबाजों में से किसी को ड्रॉप करते हैं उस कंडीशन में, आप मिडिल से रजत पाटीदार पे बहुत आराम से फोकस करके चल सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर कम स्कोर का मैच होता है और जल्दी विकेट गिरते हैं तो रजत पाटीदार एक बार फिर अच्छी इनिंग खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। चलिए दोस्तों ये 50-50 प्लेयर रहेंगे मैच में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब्दुल समद सनराइज़ हैदराबाद के बहुत ही शानदार बल्लेबाज, इनको मौके कम मिलते हैं लेकिन जब भी मिलते हैं तो एक मौके पर चौका जरूर मारते हैं। 7 मैच इन्होंने अभी तक खेले हैं, 3 मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं। बात करें आरसीबी के सामने इनको थोड़ा मौका मिला था हाथ खोलने का, तो इन्होंने नाबाद 37 रन बनाए थे ताबड़तोड़, उसके बाद आखिरी मैच जो ये पिछला मैच खेले थे उसमें 13 रन बना पाए, ज़्यादा कुछ खास कमाल कर नहीं पाए थे। तो ओवरऑल बात इनके साथ भी यही रहती है दोस्तों, अगर मैच लो स्कोर की तरफ जाता है, जल्दी विकेट सनराइज़ हैदराबाद के 2-3 गिर जाते हैं, उस कंडीशन में ये एक ट्रंप कार्ड प्लेयर भी रहेंगे और ड्रीम टीम के फेवरेट बल्लेबाज आप कह सकते हैं, तो उस स्थिति में इनको पिक करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो टॉस के आधार पर आप थोड़ा सा निर्णय ले सकते हैं, पिच रिपोर्ट क्या कहती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रभु देसाई हैं जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर थे पिछले मैच में, और एक ही मैच उन्होंने खेला है और 33 पॉइंट के साथ 24 रन उन्होंने बनाए थे, तो ज़्यादा विशेष इनके बारे में कुछ है नहीं, तो इनको आप छोड़ सकते हैं। अब बात दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से, यहाँ थोड़ा सा गौर करके चलिएगा दोस्तों, यही सेक्शन ऐसा है जिसमें से आपके प्लेयर सेलेक्टेबल रहेंगे और ड्रीम टीम का हिस्सा भी रहेंगे, और आप ढंग से पिक करिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ हमें बॉल बैट दोनों का उपयोग करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों एडन मार्करम की, 7 मैच ये खेल चुके हैं, 2 ही बार ड्रीम टीम में आए हैं, प्रति मैच 36 पॉइंट इन्होंने अर्जित किए हैं। उसका बड़ा कारण ये दोस्तों कि इन्होंने एक भी मैच में बॉलिंग नहीं की है, जी हाँ दोस्तों बॉलिंग इनको मिली नहीं है, तो इस हिसाब से सिर्फ ये बल्ले से ही परफॉर्म कर रहे हैं। जो आरसीबी के खिलाफ मैच खेला था उसमें 32 नाबाद रन बनाए थे और पिछले मैच में 1 रन पे आउट हो गए थे, तो थोड़ा सा इन पे अगर आप विश्वास करके अपनी टीम में लें तो सिर्फ बल्लेबाजी आधार मान के ही आप इनको टीम में पिक करिएगा, ऑलराउंडर पर्पज से पिक ना करिएगा, क्योंकि इनकी गेंदबाजी आ नहीं रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दोस्तों कैमरून ग्रीन की बात कर लेते हैं, ये आरसीबी के शानदार ऑलराउंडर है, 6 मैच खेल चुके हैं, 3 मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं और 39 पॉइंट प्रति मैच ही निकाल रहे हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इनका मिला जुला परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों ये सनराइज़ हैदराबाद के खिलाफ मैच खेले नहीं थे, तो ये एक सरप्राइजिंग प्लेयर हो सकते हैं अगर ये मैच में खेलते हुए नज़र आते हैं तो, और पिछले मैच में इन्होंने 6 रन बनाए थे और 2 विकेट लिए थे 35 रन देकर। इनको गेंदबाजी मिली है दोस्तों, 2 मैचों में इन्होंने 2-2 विकेट निकाले हैं, 6 में से 4 विकेट इन्होंने प्राप्त किए हैं, तो आप इनको अपनी टीम में पिक करके चल सकते हैं अगर ये खेलते हैं तो। उसके 2 बड़े कारण हैं दोस्तों, एक तो सनराइज़ हैदराबाद के सामने ये पिछला मैच खेले नहीं थे, दूसरा इनको गेंदबाजी भी मिल रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दोस्तों बात कर लेते हैं अगले ऑलराउंडर की, विल जेक्स की। विल जेक्स ने दोस्तों अभी तक 3 मैच खेले हैं, 2 मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं, 44 पॉइंट इन्होंने निकाले हैं, थोड़ा सा इनके बारे में समझ लीजिएगा दोस्तों। 1 मैच में इन्होंने 8 रन बनाए थे और 24 रन देकर 1 विकेट निकाला था। बात करें सनराइज़ हैदराबाद के सामने, जो इन्होंने पिछला मैच खेला था इन्होंने 7 रन बनाए थे और 32 पे कोई विकेट मिला नहीं था, ये फ्लॉप रहे थे उस मैच में। पिछले मैच में इन्होंने 55 रन बनाए थे, यानी कि ओवरऑल दोस्तों ये ऑलराउंडर सेक्शन में है, लेकिन तीनों मैच का मिला जुला आंकड़ा देखें तो मात्र इन्होंने 1 ही विकेट लिया है और 1 मैच में बल्ले से परफॉर्म किया है।
तो आप अगर दोस्तों अपनी टीम में ग्रीन को पिक करके चलते हैं, ग्रीन मैच खेलते हुए नजर आते हैं, तो आप विल जैक्स को छोड़ सकते हैं उस कंडीशन में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये है नीतीश रेड्डी। तो नीतीश रेड्डी ने 4 मैच खेले हैं, 2 मैच में ग्रीन टीम का हिस्सा रहे हैं, प्रति मैच 66 पॉइंट उन्होंने निकाले हैं। अब थोड़ा सा इनका समझ लीजिएगा दोस्तों। इन्होंने 2 मैच में गेंदबाजी की है, जिसमें 1 मैच में 1 विकेट और 1 मैच में 2 विकेट निकाले हैं। जो पिछला मैच था इन्होंने 37 रन भी बनाए थे और 2 विकेट लिए थे 17 रन पे, शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था। बात करें इनके आरसीबी के सामने मैच की, तो उस मैच में इनकी ना तो बल्लेबाजी आई थी दोस्तों, ना ही इनको गेंदबाजी मिली थी। तो नीतीश रेड्डी का दोस्तों ओवरऑल हाल ऐसा है कि इनको किसी भी पोजीशन पे बल्लेबाजी कराई जा सकती है, या इनकी बल्लेबाजी नहीं भी आती है, इनका कोई डाउन फिक्स है नहीं, और इनको गेंदबाजी मिल भी सकती है और इनको गेंदबाजी नहीं भी मिल सकती है। यानी कि ऑलराउंडर पर्पज़ पे आप इन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर जब तक इनको पूरी तरह से मौका नहीं मिलेगा बैट बॉल से, तो ये हमारे लिए ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो आप इनको पिक करने से पहले थोड़ा सा सोच के चलिएगा। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो बहुत आराम से इनको पिक करके चलिएगा, क्योंकि ये 100% प्लेयर है योगदान करने वाले, मौका मिलता है तो। शाहबाज अहमद की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो पिछला मैच खेले थे, ये भी एक शानदार प्लेयर है। इन्होंने ओवरऑल 7 मैच खेले हैं, 3 मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा रहे थे, 40 पॉइंट प्रति मैच में अर्जित कर रहे हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इनके मिले जुले परफॉर्मेंस की, तो बल्ले से इन्होंने खासा प्रभावित किया नहीं है, लेकिन पिछले मैच में जरूर इन्होंने 59 रन बनाए थे। विकेट मिला नहीं था उस मैच में इनको, लगातार दोस्तों इनको गेंदबाजी मिल रही है। ओवरऑल बबात करें तो इन्होंने 7 मैचों में मात्र 3 विकेट ही निकाले हैं, और एक ही मैच में ये बल्ले से परफॉर्म कर पाए हैं, जो इन्होंने 50 मारी थी पिछले मैच में। तो मिला जुला आंकड़ा ये दोस्तों के आप और नीतीश रेड्डी में से किसी एक को अपनी टीम में पिक करना चाहें तो नीतीश रेड्डी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके चल सकते हैं। बस यही है कि उनको मौका थोड़ा सा मिले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप बॉलिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं, कौन आपके लिए सही रहेगा और किसे आप छोड़ के चल सकते हैं, थोड़ा फोकस करके चलिएगा दोस्तों। सबसे पहले बात सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान कमिंस, 7 मैच खेल चुके हैं, 5 में ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं, 48 पॉइंट उन्होंने अर्जित किए हैं। दोस्तों ये लगातार प्रति मैच में 1 विकेट तो निकाल ही रहे हैं, पिछला मैच जरूर इनका ऐसा रहा है जिसमें इन्होंने 0 विकेट दिए थे, इसके अलावा इन्होंने 6 ही मैचों में विकेट निकाले हैं। और बात करें इनका बेस्ट परफॉर्मेंस, तो 3 पे 43 था, वो भी पिछला मैच जो इन्होंने आरसीबी के खिलाफ खेला था। तो ये बॉलिंग से मोस्ट पिक रहेंगे आपके लिए, सनराइजर्स हैदराबाद से आप इनको पिक करके चल सकते हैं बहुत आराम से। चलिए दोस्तों अगले प्लेयर की बात कर लेते हैं, नटराजन को थोड़ा सा देख लीजिएगा। 5 मैच में से इन्होंने 2 मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं, 63 पॉइंट इन्होंने प्रति मैच निकाले हैं। बात करें इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो पिछले मैच में इन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी, इस आईपीएल में इनका ये सर्वाधिक विकेट रहे हैं दोस्तों, 19 पे 4। आरसीबी के सामने 1 विकेट लिया था इन्होंने 47 रन देकर, पहले मैच में भी इन्होंने 3 विकेट निकाले थे 32 रन देकर। यानी कि जब भी इनको भरपूर मौका मिला है तो ये शानदार गेंदबाजी इन्होंने की है। आप इनको भी अपनी टीम में बहुत आराम से पिक करके चल सकते हैं, और आप अगर कमिंस और नटराजन में से किसी एक को पिक करें तो नटराजन को पिक करके चल सकते हैं। इनके अच्छे गेंदबाज लगातार 7 मैच में से 2 मैच में ड्रीम टीम में रहे हैं, मात्र प्रति मैच 20 पॉइंट अर्जित कर पाए हैं, और इस आईपीएल में ये कुछ भी प्रभाव नहीं छोड़ पाए। हर मैच में ये काफ़ी महंगे साबित हो रहे हैं और विकेट इनको मिल रही है। और बात करें तो इन्होंने 4 विकेट मात्र निकाले इस आईपीएल में, पिछले मैच में जरूर 1 विकेट निकाला था, 33 रन देखे, बाकी ये लगातार रन लुटा रहे हैं, तो आप इनको बहुत आराम से छोड़ सकते हैं इस मैच में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों लॉकी फर्ग्यूसन की। ये आरसीबी की तरफ से मात्र 2 मैच खेले, 1 मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा था, 41 पॉइंट इन्होंने, जिसका मैच जो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इन्होंने खेला था वो इनका पहला मैच था जिसमें ये ड्रीम टीम का हिस्सा भी थे, और 52 रन पर इन्होंने 2 विकेट निकाले थे। पिछले मैच में भी इन्होंने 1 विकेट निकाला है, यानी ओवरऑल 2 मैच में इनके 3 विकेट है। आप इनको आरसीबी से बहुत आराम से पिक करके चल सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं दोस्तों आरसीबी के ही अगले प्लेयर से के बारे में, जो कि है यश दयाल। दोस्तों इनको समझ लीजिएगा, 7 मैच में 2 बार ड्रीम टीम का हिस्सा है, प्रति मैच 30 पॉइंट इन्होंने अर्जित किए हैं। लगभग लगभग दोस्तों हर मैच में ये 1 विकेट निकाल रहे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के सामने जरूर इनको कोई विकेट मिला नहीं था, 51 रन इन्होंने खर्च किए थे। पिछले मैच की बात करें तो 56 रन देखिए, 2 विकेट इन्होंने निकाले थे, जो इनका बेस्ट फिगर है इस आईपीएल में। तो मिला जुला स्कोर यही है दोस्तों के अगर बल्लेबाजी का विकेट होता है और एक आध विकेट मिलता है और बॉलरों को विकेट नहीं मिल पाते हैं, यानी कि पूरे ही मैच में ज़्यादा विकेट नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में ये एक आध विकेट लेकर के ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इनके ज़्यादा चांस रहेंगे नहीं, तो आप इनको छोड़ सकते हैं बहुत आराम से।
मोहम्मद सिराज की ये एक शानदार गेंदबाज है। 7 मैच में 3 मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं, मात्र 22 पॉइंट ही अर्जित कर पाए हैं प्रति मैच में। बात कर लें इनकी परफॉर्म की, तो दोस्तों इस आईपीएल में बहुत खासा प्रभाव छोड़ नहीं पाए हैं। रन इन्होंने दिए नहीं हैं दोस्तों, लेकिन विकेट भी नहीं निकाले हैं। 3 विकेट इन्होंने ओवरऑल निकाले हैं। पिछले मैच में 1 विकेट इनको मिला था 40 रन देके, यही इनका बेस्ट फिगर चल रहा है 1/35। तो आप इनको देख लीजिएगा, ये पिछला मैच खेले नहीं थे सनराइज़ हैदराबाद के सामने, तो ये थोड़ा सा ट्रंप रहेगा अगर ये मैच में खेलते हुए नज़र आते हैं तो। एक सरप्राइजिंग के तौर पे, नए गेंदबाज के तौर पे आप इनको पिक करके चल सकते हैं। ये अच्छा परफॉर्म कर जाएं तो बहुत आराम से ये वीसी के भी ऑप्शन रहेंगे। ये थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा क्योंकि ये पिछला मैच खेले नहीं थे। चलिए दोस्तों, मैं मार्कंडे को समझ लीजिएगा, ये एक प्लेयर हैं, 3 मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा थे, 34 पॉइंट इन्होंने प्रति मैच में निकाले हैं। बात करें दोस्तों ओवरऑल, इन्होंने 6 मैच में 5 विकेट निकाले हैं। पिछले मैच में इन्होंने 2 विकेट लिए थे, अच्छी गेंदबाजी की थी, 26 रन देके। ये रन ज़्यादा खर्च कर नहीं रहे हैं, एक ही मैच ऐसा था जिसमें इन्होंने 52 रन दिए थे बिना विकेट के, लेकिन बाकी ये ओवरऑल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बात कर लेते हैं पिछला मैच जो इन्होंने खेला था आरसीबी के खिलाफ, उसमें 2 विकेट निकाले थे, 46 रन देके। तो आप स्पिन से अगर एक प्रॉपर स्पिन गेंदबाज को पिक करना चाहें तो आप इनको बहुत आराम से पिक करके चलिएगा। और अगर आप स्पिन गेंदबाजी में अगर मार्कंडे को छोड़ते हैं तो कमिंसन नटराजन को अपनी टीम में सनराइज़ हैदराबाद से पिक करके चल सकते हैं 2 गेंदबाज के तौर पे। और आरसीबी से 2 गेंदबाज के तौर पे आप लोकी फर्ग्यूसन और मोहम्मद सिराज पे भरोसा जता सकते हैं पूरी तरह से। बात करें दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऑलराउंडर सेक्शन में आप नीतीश रेड्डी पे भरोसा दिखा सकते हैं शादाब अहमद से पहले। और बात करें विल जैक्स और कैमरन ग्रीन, तो आप ग्रीन को अपनी टीम में पिक करके चल सकते हैं विल जैक्स से पहले, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। लास्ट अपडेट जो होती है 7:15 पर, यानी कि मैच से 15 मिनट पहले हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा देते हैं।